अरे भगवान, अरे सुनती हो क्या? नहीं, जन्म से बहरी हूँ मैं, नहीं सुन सकती। मैंने ऐसा कब कहा भाई? तो आप कह लो ना, जो भी तुम्हारी हसरत अधूरी रह गई है ना, उसको आप पूरी कर लो। अरे भाग्यवान, बस मुझे भाग्यवान मत बोला करो। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट चुकी है और कहते हैं भाग्यवान। अरे एक कप चाय मिलेगी क्या? चाय क्यों, एक कप क्यों, तुम्हें लोटा भर के मिलेगी। और चिल्ला क्यों रहे हो इतना? किसको सुना रहे? पड़ोसियों को सुना रहे जो मैं तुम्हें चाय नहीं देती हूँ। यार तुम कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो ना। बस बस बस, ये सब मत बोला करो मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मुंह टेढ़ा है? यही कहना चाहते हो? हे भगवान। हाँ जाओ जाओ, भगवान जी से ही जाकर चाय मांगो। और मैं चली नहाने। और दूसरी बात कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे अपने बालों को शैम्पू करना है। और तीसरी बात कि बच्चों को स्कूल से लेके आ जाना, ये सारे काम मेरे अकेले के नहीं है, ठीक है? कैसी बातें करती हो? क्यों, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? और ये दो बच्चे क्या मैं अपने मायके से दहेज में लेकर आई थी क्या? मैंने ऐसे कब कहा भाई? अरे मेरे भोले बाबा, तुम कहाँ कुछ बोलते हो, मैं तो चुप बैठी थी। बोलना किसने शुरू किया था? मेरी बात सुनो, इधर इधर आराम से बैठो, इधर इधर बैठो। देखो मैंने तुमसे सिर्फ एक कप चाय तो मांगा था। चाय मांगी थी, ये बहरी बोला था मुझे। इसका क्या मतलब होता है? अजी सुनती हो क्या? मैं बहरी हूँ जो नहीं सुनूंगी? ओ श्रीमती जी, कभी तो मीठे बोल लिया करो। ओहो, तो मैं क्या कभी मीठा नहीं बोली क्या? तो ये दो बच्चे कहाँ आसमान से टपके हैं? मतलब ये दो बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? और हाँ, देख लिया मैंने तुमसे मीठा बोलकर, अब हिम्मत नहीं है तुमसे मैं दो वर्ड मीठा बोलूं। भूल रही हो मैडम? क्या बोल रही हूँ? पति हूँ तुम्हारा, पति। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मैं सूचना दी कि आप हमारे पति हैं। तुम जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारी चाय मेरे को, और ना ही तुम्हारी चाचा चाहिए। ओहो, तो मिस्टर बोलते भी हैं। रुको रुको, बना के लाती हूँ चाय। यार अजीब हो, पहले लड़ती हो फिर कहते हो चाय पी लो, क्या है? तुम मुझे लड़ने ही कहाँ देते हो? अगर मेरा लड़ने का मन करेगा तो क्या पड़ोस में जाऊंगी लड़ने? आखिरकार पति हो तुम मेरे। इसी बात का तो दुख है। क्या क्या बोले? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम चाय बना के लाओ। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा फिर? ये मैं और मेरे जैसे जितने भी पत्नी प्रताड़ित है वही समझ सकते है ना।